मैं उसके बाद में खड़ा हो जाऊंगा। अशार तो बहुत है इसके, लेकिन समझो इसमें। सुल्तान बाहू कहते हैं कि जिन्ना इश्के हकीकी पाया, सुभान अल्लाह, मुंह पुजना लावण हो, जिक्र फिक्र विच रहण हमेशा, दम नू कैद लगावण हो। अपनी सांस को पकड़ के रखते हैं, बड़ी कैद में रखते हैं। कैसे? बस ऐसे कि सांस अंदर जाए अल्लाह, बाहर जाए हो। सांस ले रहे हैं, खा भी रहे, पी भी रहे, चल भी रहे, बैठ भी रहे, उठ भी रहे, सो भी रहे, जिक्र खत्म नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, जिक्र खत्म नहीं हो रहा। यही तो है ना, अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो, उठते बैठते सोते जागते करो। अल्लाह फरमाता है करो, कैसे करे? जबान तो जब तक चलती है जब तक जिक्र है, लेकिन वो जिक्र कौन सा है जो सो भी जाओ तो जिक्र हो? ये वही है ना, सांस को काउंट कर लो, सांस को अपनी कब्ज में कर लो। ए सांस को अंदर जाए तो अल्लाह के, बाहर जाए तो हु के है? कहते हैं जिक्र फिक्र विच रहण हमेशा, दम नु कैद लगावण हो। जिसका इंसान के जिस्म के अंदर ये आजा है ना, हाथ पैर नाक, ये इस तरह रूह के भी आजा होते हैं, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में लताइफ कहते हैं, रूह के लताइफ कहते हैं। ठीक है, तो उसकी तादाद में तो कोई इख्तलाफ नहीं, इसके मकाम में इख्तलाफ जरूर है। ठीक है, तो वो मकाम में इख्तलाफ हो वो तो होता है, लेकिन तादाद इसकी है जो बताते हैं, कल्बी रूही सिर्री खफी अख्वा। सुभान अल्लाह, सूरी नफ्स भी होता है, नफ्स को मारना होता है, नफ्स को मारना होता है। और ये है सिर्री कल्बी रूही सिर्री अख्वा खफी सूरी, ये लताइफ होते हैं जिनके रोशन हो जाए ना ये, वो तो फिर सुभान अल्लाह क्या काम हो गया। वो जो शहीद अल्लाह की राह में शहादत देता है ना जिस वक्त, तो अल्लाह ताला उस पर नजर कर फरमाता है, और उसका नजर करना उसका सुल्तानुल अज़कार जारी होना, और जिसका सुल्तानुल अज़कार सूरी जारी हो जाए उसको कब्र की मट्टी नहीं खाता, नहीं खाता है। सुल्तान बाहू कहते हैं सिर्री कल्बी रूही सूरी अख्फा खफी कमावण मैं कुर्बान उना तो बाहू जेड़े इकस निगाह जगावण। सुभान अल्लाह, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ढूंढने की तौफीक हमारे। सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अन्नबी सल्लू अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि, अन्नबी सल्लू अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि, وَيَنَالُ الْبَرَكَاتُ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَيَنَالُ الْبَرَكَاتُ كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ اعْلَمُوا عِلْمَ الْيَقِينِ النَّبِيُّ حَاضِرِينَ اعْلَمُوا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أن رب العالمين أوجب الشكر عليه صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه حق। देखो ये कमाल है आला हजरत के कलाम का, बेशक जुमला छोटा सवाब ज्यादा। क्या करें, आला हजरत कहते हैं दुरूद, दो दुरूद, सौ दुरूद, हजार दुरूद, लाख दुरूद, करोड़ नहीं करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद, करोड़ों। जुमला छोटा सवाब ज्यादा, कंजूसी ना करो, कह दो अभी तो समझ नहीं पड़ेगी, जब जाओगे ना तब पड़ेगा कि क्या कहा था।
काबे के ना छोड़ो मोहब्बत से काबे के बदर दुजा तुम पे करोड़ो दुरूद तबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ो दुरूद शफी रोजे जजा तुम पे करोड़ो दुरूद दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ो दुरूद आंखों गिले अंबिया तुम पे करोड़ो जानो दिले अस्पिया तुम पे करोड़ो दुरूद या के दागदार कह दो करे बाग बा बसे आकर सबा तुम पे करोड़ो दुरूद शबे मेराज राज दो सफे मैशर का ताज कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ो दुरूद दात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब नाम मुस्तफा तुम पे करोड़ो दुरूद सुभान अल्लाह थे अब भी हैं हर दो में रहेगा ये तीन किस्म की जो कैटेगरी है ना रहती है घबराने की जरूरत नहीं कैटेगरीज होती हैं हमेशा रहेगी ठीक है आला तक कहते हैं एक तरफ अदाएं थी एक तरफ हासिदी बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ो दुरूद हाय हाय आला हजरत दुआ कैसे की है देखो दुआ आला हजरत दस दे रहे हैं तो दुश्मन के दुआ करो तबाही की करो आज नहीं तो कल मर जाए कल नहीं तो आज मरे और अभी मरता है अभी मरे कर दो जो दुश्मन है जो दीन के दुश्मन है उनके लिए तबाह दुआ लेकिन जो हासिदीन है वो अगरचे हासिद है पर है तो अपने बेशक देखो आला हजरत निगाहें देखो आलत का दिल देखो आलत का जज्बा हमदर्दी देखो हासिद अगरचे हासिद हैं लेकिन हैं तो अपने सुभान अल्लाह तबाही की दुआ नहीं है कहते हैं कर दो आदू को तबाह हासिदों को रूबरा अहले विला का भला तुम पे करोड़ो दुरूद आलत कहते हैं अचानक याद आ गया कहते हैं कि क्यों कहूं बेकस हूं मैं क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं तुम हो मैं तुम पे फिदा तुम पे करोड़ो दुरूद तुम हो मैं तुम पे फिदा तुम पे करोड़ो दुरूद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह हक गोई अपना लो न डरो मेरे आला हज़रत मेरे इमाम कहते हैं कि फेर दीजिए पंजाए देवे लड़ी मुस्तफा के बल पे ताकत दीजिए गैज में फट जाएं जल जाएं दे दिलों के दिल या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए आला तक कहते हैं कि तुम हो हफीज ओ मुगीर क्या है वो दुश्मन खबीर तुम हो हफीज ओ मुईज क्या है वो दुश्मन खबीस तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ो दुरूद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा कबूल फरमाए रब्बी को नहीं माफ फरमाए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं जब यहाँ आया था तो आप भी बड़े सहमे सहमे से थे पता नहीं कैसा होगा क्या पढ़ेगा बड़े यूं सीरियस होकर बैठे थे लेकिन एक घंटा सवा घंटा जब मैंने पढ़ा तो ऐसे आपके चेहरे खिल उठे और आप मुझे ऐसे देखते जैसे सदियों से जनता आई इसकी वजह पता है क्या है इसकी वजह ये तो नहीं है कि मैं आपके मामू का बेटा हूँ नहीं जी आपके चाचा का बेटा तो नहीं नहीं ना कोई खूनी रिश्ता नहीं नहीं आपने क्यों सुना क्यों मदद कर रहे हो हमारा नुकता एक है वो इश्क रसूल का नुकता है इस नुकते पे जमा हुआ इंशाअल्लाह अगर इस नुक्ते पर जमा हो गए तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती सुभान कोई दबा भी सकती कोई दबा भी सकती बस इस नुक्ते पे आगे गिर जाता बल्कि गिरा दो क्योंकि खड़े रहोगे तो वो गिरा देता और गिरे हुओं को कोई नहीं गिराता है शायर ने कहा कि अब हमें क्या कोई गिराएगा हर सहारा गले लगाएगा हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं तो अपने आप को इस नुक्ते पे गिरा दो इंशाल्लाह उठ जाओ और जिसको वजू उठा देना कोई ताकत नहीं गिरा दे।